क्योंकि भाई यात्रा में अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फिटनेस की वजह से, फिटनेस ना होने की वजह से, तो जिम्मेदारी आप लोग की तय होगी। जी सर, बेसिकली चारधाम यात्रा की गाड़ियाँ, ठीक है, चारधाम की गाड़ियाँ जो है ना, तो ये लोग अप्लाई कौन करता है? ड्राइवर ना, चाहे कार हो चाहे बड़ी गाड़ी, जैसे ये है, ठीक है, व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये क्या है, गाड़ी का नंबर, गाड़ी नंबर, ठीक है जी सर। कितने हैं ये आपके पास? ये कब प्राप्त हुए आपको? एक महीने को, यानी कल, कल तो ये गाड़ी के साथ ही आए होंगे? यस सर। कब आते हैं गाड़ी के साथ? गाड़ी चेक होती है ना सर कल। हाँ, कौन चेक करता है? सर आर आई साहब। आर आई साहब, आर आई के साइन कहाँ है? सर चेक करना है। नमस्ते नमस्ते, आप कौन है? सर मैं बोल रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा अच्छा, तो ग्रीन कार्ड वाला समझ रहा हूँ जी। तो फिर ये आर आई साहब के साइन है सर, ये पहले आई तो इन्होंने इंस्पेक्शन करके कुछ लिखा होगा ना कोई मार्क्स? हाँ सर, ये ऑर्डर किया था, ये ऑर्डर किया है। नहीं, क्या ऑर्डर किया? ये कमी है उधर, ये गाड़ी ओके हो गई, ये ओके हो गई, ठीक है, ये आर आई साहब ने चेक की सही सब प्रिपेयर। और ये ड्राइवर यही लेके आया होगा? जी जी ड्राइवर। एक दो, कल कितने आए आपके पास ग्रीन कार्ड? सर 100 से ऊपर है। तो यानी कि आप कहते हैं 100 गाड़ियाँ आई होंगी यहाँ? जी सर। हाँ जी सर, यही मतलब है इसका? जी सर। यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है बाहर? सीसीटीवी बाहर लगा हुआ है, मैं चेक करूँगा सर ये सब गाड़ियाँ आई थी सर, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है जिससे गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं सर, पर कोई एक आदमी इकट्ठा लेके आ जा रहा है जो मुझे पता चला है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये कागजों में चल रही है वेरिफिकेशन? सर मोबाइल नंबर भी दिखवाए हुए हैं। चार मोबाइल नंबर से भी ये नहीं पता चल सकता कि वो आया है यहाँ? तो ये 100 गाड़ियाँ आ रही साहब ने कल चेक करी? यस सर। अच्छे, चेक कर चुके हैं वो, अब इसके बाद फिर इसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कब तक वैलिड रहेगा वो? दो महीने, उसके बाद ही यात्रा रूट पे चल सकते हैं। यस, ठीक है। अब जैसे ये ड्राइवर कहाँ के रहने वाले हैं डिटेल्स? क्योंकि भाई यात्रा में अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फिटनेस की वजह से, फिटनेस ना होने की वजह से, तो जिम्मेदारी आप लोग की तय होगी। जी सर, पहले से लोगों पहले चेक कहाँ है तारीख? एक पे लिखा होगा ना, एक ही रजिस्टर होगा मेरे भाई, एक रजिस्टर बनाओगे ग्रीन कार्ड के। 30/4 है ना? 30/4, ठीक है। ये क्या है, कौन सी डेट है, समझ में तो नहीं आ रहा। इंस्पेक्शन डेट कहाँ लिखी? 30/4 है ना? हाँ सर। अब एक भी तो आएगी, कहाँ आएगी सर? आप जरा मुझे दिखाइए आप कहाँ पे 100 गाड़ियाँ चेक करते हैं? और वो सरकारी दफ्तर है, इसका मतलब कुछ भी रहेगा उसमें? मतलब ये ऑफिसर का काम है देखना, ये किस जमाने में है। मंगलम क्या होता है? ये पीने है सर। मतलब भाई ये क्या है, किस चीज़ का स्प्रे है, किस जमाने का है? अच्छा लग रहा है सरकारी दफ्तर से क्या? JRDU साहब को बताइएगा, ये सब कूड़ा कबाड़ा हमें नीचे, दफ्तर साफ अच्छा नहीं। अब आइए आप गाड़ियों वाली बात, ठीक है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि भीड़ भड़का रहता है सर, अब तक तो ग्रीन कार्ड वालों की लाइन लग जानी चाहिए। ये पहले लाइन स्टार्ट होता है, लोग आने स्टार्ट हुए, जैसे एक गाड़ी आगे चल रही है। अच्छा, तो आप बताओ कहाँ पे आर आई साहब बैठते हैं और कहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है और कहाँ पे इंस्पेक्शन होती है? यहाँ से लग जाएगी गाड़ी होती है। हाँ, फिर आप कहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट खड़ी हुई थी गाड़ी, आप गाड़ी खड़ी होती होगी ना कहीं पे? गाड़ी बिना देखे करते हैं इंस्पेक्शन? नहीं सर, टायर वायर चेक करेंगे, झुकना पड़ता होगा, मुझे नहीं पता वो चेक करते। आप ग्रीन कार्ड के लिए आए हैं? गाड़ी का बूट कार्ड के लिए आए ना? तो यार आप लोग क्या कहें, आप ही को अपने नाम से चाहिए? जी। आप ड्राइवर है ना, कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार। आप चारधाम पहले चल चुके? जी। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है जैसे ग्रीन कार्ड आपको? यहीं से मिलता होगा जी, यहाँ पे आप आ गए हैं। आपको अपने नाम से ही चाहिए जी? अपना लाइसेंस दिखाइए। और आप इनके दोस्त हैं? और ये गाड़ी किसकी है भाई? आप भी ग्रीन कार्ड लेने ही आए हैं? ठीक है। इसकी फीस कितनी है सरकारी? 400 रुपीज़। अच्छा, ये ना जैसे आपका लाइसेंस हो गया। आपका नाम है? राहुल कुमार। राहुल जी, पहले चले हैं चारधाम से ना? ये रहे मेरा ग्रीन कार्ड। कहाँ कहाँ चलते हैं? बद्रीनाथ गए हैं पहले, यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले आप क्या क्या देखते हैं?
सर सारी गाड़ी का आरसी गाड़ी की फिटनेस उसका इससे मतलब नहीं है कि हिल्स में पहले चलाया नहीं चला ना नहीं सर नहीं सर मतलब इसने जिंदगी भर अगर प्लेन्स में गाड़ी चलाई है मुंबई में तो चला सकता है ऐसा कुछ उसने नहीं सर केवल डीएल चलता है हिल केवल हिल डीएल कहां से मिलेगा किस चीज से चेकिंग करते हैं मैं देख रहा हूँ अच्छा आपको भी पता होगा आर आई साहब चेक करते हैं क्या क्या देखते हैं गाड़ी में उसमें टायर को कैसे देखते हैं टायर बताओ जैसे होता तो टायर को चेंज कर देते हैं अगर क्या होता है अगर टायर में अच्छा फटाफटा फटा एक तो ये देखते हैं और बताओ यार गाड़ी का नाम है गुड का देखते हैं फर्स्ट वो गुड का अरे गुड का लकड़ी का सपोर्ट पहाड़ में डीफर जल रही नहीं जल रही लाइट जल रही नहीं जल रही हाँ दो चीज़ें आप मेरी ओर से रख लीजिए एक तो जो अंदर जब बैठता है सवारी बैठती है तो एक छोटा मोटा डस्टबिन ये बता रहे हैं आपको नहीं बता वो सब रखा है ये छोटा सा डस्टबिन ठीक है वेरी गुड और अगर अंदर से उसको कोई फोन वोन मिलाना हो आपके मालिक से बात करनी है तो कैसे करेंगे इसका क्या करते हैं गुटके का और अंदर कोई मान लो ड्राइवर से ड्राइवर के बारे में कोई शिकायत करना चाहता है गाड़ी के अंदर से पैसेंजर तो किस नंबर पे फोन करेगा सर ये मालिक का नंबर होता है कहाँ पे उसे तो दिखेगा ही नहीं है जब बाहर ही देख लेगा कपिल कुमार 9412070413 यानी कि मालिक है किसी का मोबाइल नंबर देना है मोबाइल देना मेरे पास मोबाइल है नहीं आपके आपका तो नंबर होगा उसके पास आप मिलाओ जरा ऐसे 9470413 वो अच्छी बात है बस मैं केवल ये इंश्योर करने आया हूँ कि गाड़ी वाकई चेक हो रही है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर यहाँ नहीं आ रहे हैं केवल कागज़ आ रहा है गाड़ी मालिक की मालिक के लिए काम करते हैं ना आपको कितना पैसा मिलता है यार वही पूछ रहा हूँ कितना 15,000 चार धाम का मतलब एक ट्रिप का अगर आप पूरे चारों धाम करते हैं एक ट्रिप 15,000 तो आपके मिल गए और एक ही धाम किया मान लो बद्रीनाथ जी का क्या नाइट हॉल्ट वेटिंग चार्जेस गाड़ी का ब्रेक भी लग रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपने बताई गुटका डब्बा वो सब तो है ही ब्रेकिंग जगह गाड़ी का ब्रेक देखते हैं ब्रेक चेक करते हैं और क्या चेक होता है इंजन का भी कुछ चेक होता है जी इंजन सर्विस का वही है कब 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 आप अच्छा वो तो पेपर से दिखा देता हूँ कब हुई सर्विसिंग इसकी सर्विस अभी करा के लेकर आया सर्विसिंग पानी भी आपको बुलाकर कुछ दिन में यहाँ पर डेंगू भी खा लेगा चार धाम की गाड़ी में बैठ जाएगा ये अच्छा The Motor Vehicles Act 1958 अच्छा ये बताओ यार ड्राइवर की फिटनेस कैसे चेक होती है जैसे मान लो उनको भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो ये तो चेक नहीं होता तो पहले ही दे रखा है डीएल बनते टाइम होता है तो मेडिकल लगाते हैं तो डीएल का बहुत लंबा पीरियड होता है रिन्यूअल तो रिन्यूअल के टाइम पे कराते हैं उसे समझते हैं हमें चलते मान लो किसी को हार्ट कंडीशन हुई हुई है या प्रॉब्लम है जिससे उसको ऊंचाई पर दिक्कत हो सकती हो तो वो चेक नहीं होता है चेक नहीं हो पाएगा हाँ यार वही दिखाओ यार जहाँ से गाड़ी का पता चलता है ना जी ये है ये एंट्री गेट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा कितने बजे होती है सबसे ज़्यादा गाड़ी 1-2 बजे तो 1 बजे का दिखाओ कल का कल 1 बजे इसी कैमरे में अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं 12 बजे अब वो वाला दिखाओ जहाँ पर आ रही साहब बैठते हैं
और आगे बढ़ाओ 12 से 21 में तो कोई गाड़ियाँ आते जाते भी ज़्यादा नज़र नहीं आई। अब आ जाइए आप, क्योंकि अब आ जाइए आप थोड़ा और 2 बजे के आसपास, कुछ गाड़ियाँ तो सर सुबह भी चेक करते हैं सर, क्या अभी नहीं है, तभी भी चेक करते हो, आएगी तो अंदर ही ना, भीड़ भीड़ कब ज़्यादा गाड़ी भाई, आपने कल 150 के आसपास ये काटे हुए हैं तो 150 गाड़ियाँ आएंगी ना, तभी तो 150 गाड़ी भी चलेंगे और वो प्राइवेट नंबर की तो होंगी, चार धाम पे हैं तो पीले नंबर वाली होंगी, तो 100 एटलीस्ट मुझे 100 गाड़ियाँ दिखनी चाहिए पीले नंबर की जो अंदर आई होंगे, तभी तो मानेंगे, निकलेंगी तो तभी आएंगी। ये ब्रेक लगवाया है, ब्रेक लगवाया है जी जी सर, वो ब्रेक लगाता हुआ है ना, अच्छा नहीं तो उतनी धीरे तो गेट पे वैसे भी करेगा ही, क्योंकि उसके बाद तो वो चला ही गया सीधे, ब्रेक मार के चला अलविदा हो जाएगा, देखो इसने तो कोई ब्रेक नहीं लगाया, चलो तो वो चेकिंग कहाँ पे हो रही है बताओ, उसका मतलब यार चेकिंग तो हुई नहीं। भाई साहब हैं जी, क्या नाम है आपका? सर सिक्के भट जी जी। तो आप यहाँ पे कब से होस्ट रहे हैं? सर 1 साल। तो ये यार मुझे कल कितनी गाड़ियाँ चेक की आपने? कल सर 160 है। 160 ना जी, आई थी जी सर, वाहन आए थे ना जी, ऐसा तो नहीं कि मतलब कागजों की चेकिंग होगी? नहीं नहीं सर, इतनी गाड़ी चेकिंग पक्की होनी चाहिए, चार धाम पे जा रही है, फिर डिस्क्रैश नहीं होना चाहिए जी। हाँ हाँ, ये कल से 267 से शुरू हुआ जी, यार डेट ही लिख देते मेरे भाई तो बुरा ही बुरा ही दिया, लिख दिया करो डेट, अच्छा तो कल यहाँ से मान लें, लिखो डेट इसमें आप, और फिर अब कल ही, कल आपने अनफिट कितनी पाई करी? अनफिट सर, जो अनफिट होती है सर उसको, क्योंकि फीस में कोई ऐसा नहीं करने का होगी सर, तो उसमें क्या करते हैं सर, जो भी पार्ट्स अगर लगना है तो हम कहते हैं पार्ट्स जो भी है कमी है वैसे सब फिट करा देता है यात्रा के ना, और कुछ कमी होती है टायर वायर से, रिटेड टायर है तो हम कहते हैं टायर लगा के देंगे, तब उसके बाद चेक करेंगे वापस, तब दोबारा वापस दोबारा। तो कल कितनी गाड़ी रिजेक्ट हुई होंगी? कल सर हमने करीब 10 बार मतलब 7-8 गाड़ी बताया था जिनमें कि साई नंबर एक या रिफ्लेक्टर एक ये है, तो मैं एक तो यार उसको वेरीफाई करूँगा, मुझे 2 दिन का मैं भी बैकअप मंगा रहा हूँ आपके कैमरे का, और इस लिस्ट से मैं टैली करूँगा जी, गाड़ियाँ आ रही हैं नहीं आ रही मैं मंगवा लूँगा, बस तो मैं देखना ही चाहूँगा। अब आ जाइए आप इसको ठीक 12 बजे, 12 बजे तो बहुत गाड़ियाँ आती होंगी 12 बजे। हाँ तो 12 बजे तो कोई हलचल ही नहीं है सीआरटीओ दफ्तर सर, बाहर की तरफ देखिए सर, वो गाड़ियाँ भी लाइन में लगी हुई हैं उधर तक, वो पीछे जा रहा है भाई, वहाँ तो कोई चेकिंग हो नहीं सकती सड़क पर, और होनी भी नहीं चाहिए कायदे से सर, गाड़ी की चेकिंग दफ्तर के अंदर ही होनी चाहिए सर, गाड़ियाँ जो अंदर आती हैं सर, अंदर तो कोई गाड़ी नंबर प्लेट लगाने आया कोई प्राइवेट आदमी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ ग्रीन कार्ड, आई डोंट थिंक ये गाड़ियाँ आई भी हैं। अब 2 बजे आ जाओ, 2 बजे के आसपास, 2 बजे तो, और थोड़ा सा अभी थोड़ा सा चहल पहल कम हो गई है पहले से भी, लंच करने चले गए तो 3 बजे आ जाओ, 2 से 3 मान लो लंच किया सर, 3 बजे लंच के बाद कोई लौटा नहीं है अभी, सो गए हैं सवा तीन घंटे पे भी ज्यादा ट्रैफिक लग नहीं रहा है, 3:30 थोड़ा थोड़ा एक गाड़ी भर जाके चेक हो गया। आप आ रहे सर कब चलता है आपका? 5:30 से 6:30 जितना भी गाड़ी है सब निकालते हैं सब करते हैं। चार आप सुबह कल 9 बजे पे आ जाइए, कल सुबह की 9 बजे 10 बजे भरने, 9 बजे तक तो इंसान आएगा तब तो भरेगा, तो उस पर क्यों मैडम
मैडम को जानकारी। ओके अब 9 पे आ जाओ, 9 o'clock। तो 9 o'clock पे तो भाई आप लोग भी तो कोई इंसान ही नहीं आता सो। चलो 10 पे आ जाते हैं। दस यार देखो 10 में तो कुछ भी नहीं है, किसी बोल रहा हूँ भीड़ होगी थी 10 में। और 10:30 पे अच्छा एक काम करिए, इसका डेटा इरेज तो नहीं होता ना, मैं डिलीट कर लूँगा इसको फिजिकली बाद में। और लेकिन मेरा यही कंसर्न है कि गाड़ियाँ सब फिजिकली चेक हो, ऐसा ना आगे जाकर किसी गाड़ी का अगर भगवान नगर एक्सीडेंट हो और उसके लिए तुमने जिम्मेदार हो जी फिजिकली गाड़ी बुला सकते हो। अच्छा देख लें कैसे कर लेते हैं, मेरे सामने देख लेते हैं, इसी की कर लेते हैं फिटनेस। क्या क्या चेक करेंगे आप पहले मुझे फिजिकल वाला बताइए। वाइपर पट्टी भी चमकती होगी। जी सर चमकती है। अच्छा ये ड्राइवर जी जी अच्छा ड्राइवर का इधर सर नंबर्स साइड नंबर होंगे। अब मिला के देखो संजय सैनी जी का नंबर, आप मिलाओ संजय सैनी जी का नंबर, मालिक है ना। जी सर मिलाओ जरा। ये सर डस्टबिन हम ही देख लेते हैं। क्या नाम है यार, नंबर बताओ जरा सैनी जी का। 9031303 अच्छा लग रहा है ना। जी सर गुटका ठीक है। जी हेलो। और ये वाला कौन सा नंबर है साथ ही रिजल्ट का। हेलो हाँ ठीक करा तो है। अच्छा सैनी जी बोल रहे हैं। ये साइड का नंबर है सैनी जी। अच्छा चलो ठीक है। ये कौन फायर स्टेशन पर था और बाकी गाड़ी का नॉइज ठीक है। ओके ओके अब ब्रेक वाला दिखाओ, ब्रेक के लगा के जाते ही ब्रेक लगाओ। ब्रेक मारना वाला पक्के पे अब ब्रेक ठीक लगाएंगे। चलिए बढ़िया है लेकिन आप उस पर ध्यान रखिए। जी मुझे लग नहीं रहा 168 गाड़ियाँ आएंगी कल। चलो आज दिन में भी आ सकता हूँ। जी जी सर।